नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों के घरों में चमकीले पत्थर सजे हुए देखे होंगे। कई बार आपको यह लगता होगा कि यह पत्थर घर की सजावट मात्र के लिए लगे हुए हैं। हालांकि यह सच है कि अधिकांश लोग सजावट के लिए ही इन क्रिस्टल बॉल्स को अपने घरों में लगाते हैं, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं होता कि क्रिस्टल बॉल की सहायता से किस प्रकार अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास कराया जा सकता है और अपने घर में मौजूद तंगहाली को खुशहाली के रूप में बदला जा सकता है। जी हाँ, वास्तु शास्त्र में क्रिस्टल बॉल को लेकर कई सारी बातें बताई गई हैं और आज हम आपको बताएंगे वह तमाम बातें जिनकी सहायता से आप मनवांछित फल पा सकते हैं। आपको बता दें कि वास्तु के नियम सूर्य की किरणों पर आधारित होते हैं और क्रिस्टल बॉल सूर्य की किरणों को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। ऐसे में सहज ही समझ सकते हैं कि क्रिस्टल बॉल कितना सहायक हो सकता है आपके जीवन में। जब भी आप क्रिस्टल बॉल ले आए तो यह ध्यान रहे क्रिस्टल बॉल को एक्टिवेट करना पड़ता है, जिसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से की जाती है। आपको सबसे पहले क्रिस्टल बॉल को किसी कांच के गिलास में नमक और पानी के साथ डुबोकर एक हफ्ते तक रखना होता है। उसके बाद आप साफ पानी से क्रिस्टल बॉल को साफ कर कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए सूर्य की रोशनी में रख दें। ऐसा करने से क्रिस्टल बॉल अपनी तमाम पुरानी तरंगों से मुक्त हो जाता है और वह रिफ्रेश होकर आपको नई एनर्जी देने के लिए तैयार हो जाता है। आधुनिक भाषा में आप यह कह सकते हैं कि क्रिस्टल बॉल की प्रोग्रामिंग सेट कर चुके हैं। अपने हिसाब से आप क्रिस्टल बॉल को अपने घर के मेन गेट पर लटका सकते हैं, जिससे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती है। आप क्रिस्टल बॉल को बच्चों के स्टडी रूम में लगाते हैं तो इसका असर भी बेहद सकारात्मक दिखता है और आपके बच्चे मन लगाकर पढ़ने लग जाते हैं। क्रिस्टल बॉल का प्रयोग बेडरूम में भी किया जाता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार क्रिस्टल बॉल के बेडरूम में प्रयोग करने से पति पत्नी की बढ़ रही तकरार पर लगाम लगती है। वस्तुतः इससे आपकी कलह दूर होती है और एक दूसरे के बीच प्रेम संबंध रंगार होते हैं। इस प्रकार अगर आप अपने लिविंग एरिया में क्रिस्टल बॉल को लगाते हैं तो ऐसी दिशा में लगाएं जहां से सूर्य की रोशनी सीधे आपके घर में आती है और क्रिस्टल बॉल के ऊपर पड़ती है। ऐसा करने से आपके घर के सदस्यों के बीच में आपसी संबंध मधुर होते हैं और ऐसे में एक दूसरे के प्रति नाराजगी कम हो जाती है। व्यापार वृद्धि के लिए आपको क्रिस्टल बॉल को अपने ऑफिस के मेन गेट पर लगाना होगा, जिससे आपके ऑफिस में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को यह सोख ले। इसे आप अपने ऑफिस या फैक्ट्री के उत्तर पश्चिम दिशा में लटका सकते हैं। इससे व्यापार में हो रहे घाटे को कम किया जा सकता है। ऐसी ही रोचक जानकारी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल यूट्रेंड से अवश्य जुड़े और अपने सुझाव देते रहें। धन्यवाद।